नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नक्त व्रत क्या है, नक्त व्रत क्यों करना चाहिए, श्रावण मास में नक्त व्रत करने का क्या महत्व है और नक्त व्रत करने के नियम क्या क्या हैं, आज इस विषय में हम बहुत ही विश्लेषित रूप से चर्चा करने वाले हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नक्त व्रत क्या है। नक्त व्रत अर्थात संपूर्ण दिन व्रत रहा जाए और रात्रि में भोजन किया जाए, तो इस परंपरा को हम नक्त व्रत कहते हैं। आपको पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, आप जल ले सकते हैं, अगर आवश्यकता लगे प्राण रक्षार्थ अथवा औषधि ग्रहण हेतु आप फल भी ले सकते हैं, परंतु भोजन आप रात्रि में करें। सूर्यास्त की 3 घड़ी व्यतीत करने के पश्चात हमें जो है भोजन करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। यहां हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं, जो सन्यासी नक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना है, व्रत का पारण कर लेना है, परंतु गृहस्थों के लिए रात्रि में ही भोजन करने का विधान बताया गया है। संध्या के 3 घड़ी के पश्चात जब तारा उदित हो जाए, आसमान में तारे दिखने लगें, तब जो है हमें व्रत का पारण करना चाहिए, भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। चत्वारी मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। शास्त्रों के अनुसार संध्या बेला में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, निद्रा ग्रहण नहीं करनी चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए। नक्तन्निशायां कुर्वीत गृहस्थो विधि संयुतः यतिश्च विधवा चैव विधुरश्च सूर्यकम्। विधुरश्चेत् पुत्रवान् स्यात् सतु रात्रौ समाचरेत्। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि रात्रि में ही नक्त व्रत का भोजन करे। अगर आप नक्त व्रत रह रहे हैं तो आपको रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, परंतु आप अगर सन्यासी हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, तब आपको सूर्य के रहते हुए व्रत का पारण कर लेना चाहिए, अर्थात संध्या होने से पूर्व ही आपको व्रत का पालन कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, अगर विधुर पुरुष, विधुर व्यक्ति अगर पुत्रवान है तब उसे जो है रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। ऐसा विधुर व्यक्ति जिसे पुत्र नहीं है, सूर्य के रहते ही भोजन कर लेना चाहिए। नक्तव्रतेन योगी स श्रावणम यो नयेत् सुधी द्वादशस्वपि मासेषु सनक्त फल भाग भवेत्। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण श्रावण मास नक्त व्रत करता है उसे 12 मास के नक्त व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रावण मास में हमें नक्त व्रत अवश्य करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण दिन भोजन का परित्याग करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस नियम को हमें संपूर्ण श्रावण मास करना चाहिए। प्रातः स्नानं करिष्यामि ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः भोक्ष्यामि नक्तं भूषय्यां करिष्ये प्राणिनां दयां। प्रारब्धेऽस्मिन् व्रते देव यद्यपूर्णे म्रिये ह्यहं तदा संपूर्णतां यात्तु प्रसादात्ते जगत्पते। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा और संपूर्ण प्राणियों पर दया करूंगा। हे प्रभु, अगर मेरे इस व्रत करने के पश्चात मेरा निधन हो जाए, मेरे प्राणों का अंत हो जाए, तो मेरे प्राण को ही पूर्णाहुति समझ ली जाए, अर्थात मेरे प्राणों के साथ ही यह व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए।
ऐसा संकल्प करके नक्त व्रत आरंभ करना चाहिए। नक्त व्रत एक ऐसा व्रत है जो सब कोई कर सकता है। इसमें शरीर भी क्षीण नहीं होता, शरीर में कोई हानि भी नहीं होती, अतः हर व्यक्ति को यह नक्त व्रत अवश्य करना चाहिए। नक्त व्रत से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है तो अपने परिवारजनों के साथ, मित्र मंडली के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।